नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। आज दिल्ली में होगा तमाम विपक्षी मुख्यमंत्रियों का जुटान, यानी कि गैर भाजपाई तमाम मुख्यमंत्री जुटेंगे दिल्ली में। और आज विपक्षी एकता का प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में विपक्षी एकता देखने को मिलेगा। ऐसे में बता दें कि आज जो मूल वजह है वह है पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों एक बैठक किया था और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा था कि जो राज्य है वह वैट कम करे ताकि पेट्रोल डीजल लोगों को सस्ती मिल सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर, खासतौर पर वैट को लेकर के आज दिल्ली में बैठक होनी है, उसमें तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों की बहु प्रतीक्षित मुलाकात शनिवार को नई दिल्ली में होनी है। इस औपचारिक बैठक में अगली मुलाकात जो है वह रूपरेखा एजेंडा तय हो सकता है। इसके अलावा विपक्षी एकजुटता विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति, भाजपा को मजबूत टक्कर देने और केंद्र का विकल्प खड़ा करने और इस मुहिम में कांग्रेस की भूमिका पर मंथन होना है। इसी के साथ बता दें कि शनिवार को देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस भी होनी है। ऐसे में प्रधान न्यायाधीश द्वारा बुलाई गई इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी राज्यों के सीएम दिल्ली में हैं और इसी क्रम में गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों की मुलाकात होनी है। पहले यह मुलाकात मार्च के अंत में यानी कि बजट सत्र के बाद होनी थी, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे और उसके नतीजे आने थे, जिस वजह से यह बैठक नहीं हो सकी थी। ऐसे में गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को एकजुटता के लिए ममता बनर्जी यानी कि तृणमूल प्रमुख ने पत्र लिखा है। और अगर वाकई में ये एकजुट हो जाता है तो ऐसे में एक और खास बात ये होगी कि जो प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार है उनकी अहम भूमिका हो सकती है, जब वो सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को एकजुट करेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव या फिर तमाम राज्य में होने वाले मुख्यमंत्री का चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव में तमाम विपक्षी एकता को मजबूत करने में एक अहम कड़ी बनने का काम कर सकते हैं प्रशांत किशोर।